मालती चाहन मेहनत करके विष्णु के आगे बढ़ाए, मालती चाहन मेहनत करके विष्णु को आगे बढ़ाए, अर्जुन के ओ प्यार में भूलल सब कुछ अपना खो गए। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देखना शुरू कर दिए हैं DNY न्यूज। इस वक्त मैं सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड क्षेत्र के दुबियाही पंचायत दुबियाही गांव में मौजूद हूं और हमारे साथ में आप जो चेहरे देख रहे हैं ये कोई परिचय के मोहताज नहीं, हमारे साथ बगल में बैठे हुए हैं गुलजार अहमद जी। जी हाँ, वही सिंगर गुलजार अहमद जी जो कभी आरती छोटू के समय में काफ़ी वायरल हुए थे, आरती छोटू का गाना गाकर काफ़ी वायरल हुए थे और तब से जो है ये बिहार में कहीं भी किसी भी तरह की घटना घटती है तो उस पर इनका गाना सबसे पहले आता है और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये रहते हैं, हमेशा ये जो है चर्चित में रहते हैं। साथ ही हमारे साथ में आप देख पा रहे होंगे सुपौल के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र से MIM पार्टी से प्रखंड अध्यक्ष साहब हैं, इनसे भी हम परिचय करवाएंगे। पहले हम आपको गुलजार भाई से मिलाते हैं और कुछ गाना भी आपको सुनाते हैं जो अभी जो है फिलहाल ये मालती चौहान के ऊपर गाए हैं। जी हाँ, ये अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है मालती चौहान उनके ऊपर गाना गाकर अभी ये फिलहाल वायरल हो रहे हैं। गुलजार जी, सबसे पहले आपका DNY न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस नाचीज तक आप लोग पहुँचने की जहमत उठाई। नाचीज तो बिल्कुल मत कहिए, कुछ तो चीज़ है ज़रूर, नाचीज तो नहीं है। तो चलिए, हम सबसे पहले चाहेंगे कि दर्शकों को आपका एक गाना हम सुन रहे थे जी, मालती चौहान के ऊपर, वो दो लाइन सुनाइए, क्या गाना है? देखिए, मैं गाना तो मुनासिब नहीं समझता हूँ क्योंकि वो मैटर में मैं बोलना भी सही नहीं समझता हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं मुझे इसी चीज से लोग जानते हैं। आपको मैं ना तो दबाव दे रहा हूँ कि आप मालती चौहान के साइड से बोलिए या विष्णु राज के साइड से बोलिए, देखिए साइड किसी का, आपकी मर्जी है, जैसा ही जिस तरह का गाना गाए हैं वही सुनाइए। मैटर को हम सीरियस नहीं लेते हुए बस एक लाइन मैं कहने की कोशिश किया हूँ। हमारे बीच है सद्दाम भैया और MIM पार्टी के राघोपुर सुपौल से प्रखंड अध्यक्ष हमारे मामा जान हिदायतुल्ला रहमानी साहब, बिल्कुल बिल्कुल, और इनके तवस्सुस से मेरी आज सुपौल जैसी धरती पे मेरी हाजिरी, पहली हाजिरी हुई है ये प्रोग्राम में। सुनिएगा कि मालती चाहन मेहनत करके विष्णु के आगे बढ़ाए, मालती चाहन मेहनत करके विष्णु को आगे बढ़ाए, अर्जुन के ओ प्यार में भूलल सब कुछ अपना खो गइल, जाए मालती ई का कैला हमेशा के खातिर सो गइल। जो भी है मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, हालांकि आप लोग जानते हैं मालती चौहान विष्णु राज का पूरी कहानी आप लोग बखूबी जानते होंगे और हालांकि उसके ऊपर जो है अभी बहुत तरह की बातें चल रही है सोशल मीडिया में, ज़्यादातर लोग मालती चौहान की बुराइयां ही कर रहा है जहां तक हम देख रहे हैं, हालांकि उस पर मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूँगा। और साथ में आपको बता दें कि ये दुबियाही पंचायत दुबियाही गांव में बहुत बड़ा जलसा था, जलसा का आयोजन था, कार्यक्रम था और उसी जलसे में ये लोग पधारे हुए थे। तो चलिए, हम जलसे के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी देने का प्रयास करेंगे। गुलजार भाई, जलसे में आप लोग आए हुए थे, जलसा में क्या कुछ होता है, क्या कार्यक्रम होता है, थोड़ा शॉर्टकट में बता दीजिए हमारे दर्शक। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ बड़े भाई सद्दाम साहब का, निसार साहब का और तमाम कमेटी का जिन्होंने इस नाचीज को यहाँ बुलाने की जहमत उठाई। और देखिए, जलसा एक ऐसी चीज़ है जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और जलसा इस्लाहे मुआशरा, यह बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं हमारे इस्लाम धर्म में हैं वो समझते हैं कि इस्लाहे मुआशरा का मतलब क्या होता है, मतलब मुआशरे का इस्लाह, जी जी, जो मुआशरे हैं, जो समाज हैं उसके इस्लाह के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है, जो हमें अच्छे अच्छे रास्ते पे लाने के काम करते हैं, हमारे उलमा लोग उसमें आते हैं, एक अच्छी बात बताते हैं, हम सबको एक अच्छे रास्ते पे लाने का कोशिश करते हैं वो सब।
इसीलिए ये प्रोग्राम। यानी कि देखिए हम लोग अगर बात कर ले हिंदू धर्म में जिस तरह से सत्संग होता है, जी जी, तो वही चीज है क्या? वही चीज है, जी जी। चलिए तो ये आप लोग क्लियर हो गए कि जिस तरह से हिंदू धर्म में बड़े बड़े यज्ञ और सत्संग होते हैं, तो उसी तरह से जो है इन लोगों का जलसा होता है और बहुत कुछ बताया जाता है, अच्छे राहों पर चलने के लिए ज्ञान दिया जाता है।